Hi friends, my name is Ansh and you are watching Education Plan. Friends, our today's topic is talking about subject, verb and object. आपको इन तीनों के बारे में बड़ी ही अच्छी तरह बताएंगे. तो सबसे पहले subject. अगर आपको subject समझना है तो आप इसे समझिए कि ये actor होता है. Subject actor होता है और जो verb है वो कोई भी action होता है, जिस तरह हम खाते हैं, हम खेलते हैं, हम दौड़ते हैं, etc. तो ऑब्जेक्ट की अगर आप बात करें तो सब्जेक्ट जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है, जब कोई एक्टर एक्शन परफॉर्म करता है तो वो किसी चीज की मदद लेता है, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. वेयर एक्शन इज, वेयर एक्टर इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. आपको बड़े वाज़े अंदाज से मैं आपको बताऊंगा, यहां पे आपको समझ भी लगेगी. लेट्स सपोज के सब्जेक्ट जो है वो एक्टर है. अब सब्जेक्ट ने, एक्टर ने कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो वर्ब जो है ये एक्शन होता है, जिस तरह ईटिंग, प्लेइंग, फाइटिंग एटसेट्रा. ठीक है, अब एक्टर ने जो एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए उसे कोई ऑब्जेक्ट चाहिए. वेयर एक्शन इज बीइंग इन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल यहां पे, या मूवीज दे ली, या वैसे यहां पे मैंने एक एग्जाम्पल दी है, अंश इज ड्राइविंग अ कार. यहां अंश जो है ये एक्टर है तो ये प्रेपोजिशन है. अब ड्राइव जो है ये एक्शन है, अंश इज ड्राइविंग अ कार, ये एक्शन है. एक्टर परफॉर्म कर रहा है एक्शन, लेकिन किसकी मदद से? कार की मदद से. कार यहां पे ऑब्जेक्ट है, कार की जगह कोई ट्रक हो सकता है, बाइक हो सकती है. तो सब्जेक्ट एक्टर होता है, वर्ब एक्शन होता है, और जब एक्टर एक्शन कोई करता है तो उसके लिए उसे किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिस तरह ये कार है इधर. ठीक है, तो सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, दीज हो सकता है. ठीक है, ऑब्जेक्ट में ट्रक हो सकता है, चेयर, कोई भी चीज जिसे हम देख सकते हैं ऑब्जेक्ट होती है. सब्जेक्ट करने वाला और ऑब्जेक्ट जिस पे काम होता है, और एक्शन जो कोई भी हो सकता है.